हेलो फ्रेंड, पूजा किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आए हैं लड्डू की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप से लड्डू, घर के ही सामान से हम बनाएंगे लड्डू, मिक्स लड्डू हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना लड्डू। शुरू करते हैं बनाना लड्डू। बनाने के लिए हमने ये इन्ग्रीडियंट्स लिया है। नारियल का बुरादा, ताज़ा नारियल है जिसको मैं ग्राइंड कर ली थी, ब्रेड का चूरा, सूजी आधा कप, आटा आधा कप, मखाना को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था आधा कप, बेसन आधा कप, रोटी को भी मैं ग्राइंड कर ली थी, एक मैंने रोटी ली थी जिसको मैं ग्राइंड कर ली थी, एक चौथाई कप। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैं पैन ली हूँ, तो पैन गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं बादाम ली हूँ, बादाम को हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अखरोट। यहाँ पे मैं लगभग 2 चम्मच अखरोट ली हूँ, डाल देंगे। दो चम्मच किशमिश मैं ली हूँ, साथ में डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने खजूर ली है, इसे भी मैं भून लूँगी बादाम के साथ। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ड्राई फ्रूट को मैं अच्छी तरह से भून ली हूँ। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे, इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करना है। ये देख सकते हैं प्लेट में मैं निकाल ली हूँ, अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड। अब हम पैन में घी डालेंगे लगभग 4 चम्मच। घी को थोड़ा कड़कने देंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे आटा सबसे पहले। अच्छी तरह से हम भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही में हम बेसन डालेंगे। ये देख सकते हैं आटा और बेसन को अच्छी तरह से मैं भून ली हूँ, हल्का सुनहरा हो गया। अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे, से हम साइड कर देंगे। और फिर से हम इसमें घी डालेंगे, लगभग 4 चम्मच घी डालेंगे हम। अब हम सूजी को भूनेंगे। हल्का सुनहरा होने तक हमें भूनना है। साथ में हम डालेंगे रोटी को जो मैंने ग्राइंड किया था, मखाना, और यहाँ पे मैं ब्रेड का चूरा ली हूँ। इन सबको साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। नारियल का बुरादा भी इसमें डालेंगे हम, हाफ डालेंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं भून ली, इसे भी हम बड़े से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसमें से हम हाफ डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे हम। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं मिला ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे हाथों से मिलाएंगे इसे। अब हम लड्डू बनाएंगे, तो हाथों में मैंने घी लगा लिया है। अब
लड्डू का हम शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से हम सारा लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा लड्डू मैंने तैयार कर लिया है। अब हम लड्डू को डेकोरेट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, लड्डू की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये नई रेसिपी कैसी लगी, और मैंने जो डेकोरेट किया है उस पर भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती है फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।